कोरोना संक्रमण और मंकी पॉक्स के बीच शहर में स्क्रब टाइफस का आउटब्रेक हो चुका है। पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के अलग अलग हिस्सों में बच्चों में यह रोग पाया जा रहा है। स्क्रब टाइफस के चलते कई बच्चों को कोलाघाट के एक निजी बाल नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। इससे जिले भर में दहशत फैला हुआ है। नर्सिंग होम के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीर भौमिक ने कहा है कि स्क्रब टाइफस मूल रूप से कीड़े के काटने से होने वाली एक बीमारी है। इस रोग के लिए ट्रॉम्बिक्यूलिट माइट नामक एक कीट जिम्मेदार होता है। वे मुख्य रूप से झाड़ियों में पाया जाता है। जैसे मानसून के दौरान पेड़ों और झाड़ियों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही स्क्रब टाइफस का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं डॉक्टर ने कहा है कि इस समय स्क्रब टाइफस से प्रभावित बच्चे ठीक हो रहे हैं। बीमारी से बचने के उपाय भी डॉक्टर ने बताए हैं। उन्होंने कहा है कि बीमारी से बचाव के लिए फिलहाल कोई टीका नहीं है। समय पर डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट का उपयोग करने से बचाव संभव है। फुल आस्तीन शर्ट और पैंट पहने तथा मच्छरदानी का उपयोग करें। गाय, कुत्ते तथा अन्य जानवरों के संपर्क में आने के समय सावधानी बरतें। घर तथा आसपास साफ सफाई रखें। पानी का भराव नहीं होने दें। कुछ इस तरह की सावधानियां डॉक्टर ने बरतने की सलाह दी है। एक तो पेट में था ज्वर एवं कपकशी नहीं हमारे बढ़ते किंतु अन्य दिन तो चिकित्सा पे पोस्ट पे गए ताछड़ा ना लीजिए कोविडर मतलब पोस्ट कोविड जो कम्प्लीकेशन एट हम पोस्ट काफ कम्प्लीकेशन सो स्कार्वे पर हमें जेटा पाई जो हमारा अनेक समय स्पेटिक इनफेक्शन पाई यूटीआई पाई ये हिडन जे इनफेक्शन पाई एम से चिकित्सागुली करते तो कल खबर रिएडमिशन करा हो पूरे हमारा वही कम्प्लीकेशन को अटकाची मैं स्कार्वे উন্নতি হয়েছে জ্বরটা কমেছে কাশিটা কমে আছে বাজে ধরনের একটা কাশি আছে এই যে পোস্ট কাপ নিউমোনিয়া যেমন হঠাৎ করে ওখানে লোকাল দেখিয়েছেন আরও ডাক্তারকে কনসাল্ট করেছেন জ্বর কমছিল এবং জ্বরের জন্য যা যা পরীক্ষা করে করা সমস্ত টেস্টগুলো করা করেছিলেন টাইফয়েড ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু ইউরিন ইনফেকশন চেস্ট এক্সরে যা যা কমনলি আমরা করে থাকি সমস্ত কিছু নেগেটিভ ছিল তখন আমরা দুপুরে ছাড়ব কোথায় কামিয়ে গেছে পিছা কাটা দূরের গায়ে যে পোকাটা থাকে।